ओके जी, रिकॉर्डिंग शुरू कर लिया, थैंक यू सो मच, आपने रिकॉर्डिंग बता दी। तो मेरे बच्चों, मैं रिपीट कर रहा था क्या कि आप लोग, ये जो कल हमने बहुत तेजी से एवरेज कैपिटल निकाला था, मैं उसे रिपीट कर रहा था कि कैसे निकाला। हमने कहा 1 लाख रुपए लगे रहे 5 महीने तक, उसे 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी 5 महीने तक हर साल हर महीने बिजनेस में 1-1 लाख रुपए थे। तो हमने कहा फर्श कर लो, 5 महीने तक 5 लाख रुपए लगे रहे बिजनेस में, सही है। फिर ये वेट है, वेट वेट वेटेड एवरेज का मतलब होता है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा जून 1 को 30,000 निकल गए, तो 70,000 रुपए लगे रहे। सर मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों किया? क्योंकि सिर्फ जून में लगे रहे। फिर जुलाई 1 को मालिक 80,000 रुपए और ले आया, तो 70 ऑलरेडी थे, 80 वो और लाया, अब 1,50,000 रुपए हो गए। कब तक लगे रहे? जून की पहली तारीख, जुलाई की पहली से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर की 30 तक, तो 5 महीने तक 1,50,000 रुपए कारोबार में लगे रहे। 1,50,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद सर 5 पे क्यों रुक गए? दिसंबर की 31 तक क्यों नहीं गए? क्योंकि दिसंबर की पहली को फिर चेंज आया, तो दिसंबर की पहली तारीख को 30,000 निकालने के बाद 1,50,000 में से मालिक कितने का मालिक रह गया? 1,20,000 का। सर इसे 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि एवरेज कैपिटल पूरे साल का निकालना था ना, तो अब साल का आखिरी महीना बचा दिसंबर, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अमाउंट आ गई। ये टोटल अमाउंट 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1, 12 महीने की है। ये 12 महीने की अमाउंट बनी। क्या हकीकत में 12 महीने उसने इन्वेस्टमेंट किए? नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1,00,000 पांच महीने तक लगा रहा, 70,000 एक महीने तक लगा रहा, 1,50,000 पांच महीने तक लगा रहा, और 1,20,000 एक महीने। तो ये पूरे साल ये अमाउंट लगी रही बिजनेस में। अब एवरेज निकालने के लिए इसे क्या कहा? ये पूरे साल है, ये पूरे साल की अमाउंट है, इसे 12 से क्या कर दूं बोलो, डिवाइड। तो ऑन एन एवरेज हर महीने बिजनेस में लगे रहे 1,20,000। नहीं समझ आता? ऑन एन एवरेज हर महीने कितने लगे रहे बिजनेस में? 1,20,000। ये है एवरेज कैपिटल। अगर तुम लोगों ने काका का कैपिटल निकाल लिया है एवरेज, तो मुझे बता दो, वरना मैं निकाल लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। एक मिनट लगेगा, ये लो मैं निकाल देता हूँ, कोई मसला नहीं है। जिन्होंने निकाला वो जवाब शेयर कर लें, काका कैपिटल। और चलो ये देखो, अभी जहाज उड़ा देता हूँ, मसला नहीं है, जहाज तो हम उड़ा लेते हैं फौरन ठक ठक करके। ये लो अभी उड़ा लेते हैं जहाज, आओ। इन्वेस्टमेंट कब हुई? जनवरी 1, 2,00,000। चेंज कब आया? अप्रैल 1 को आ गया। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने, 3 महीने तक 2,00,000 लगे रहे। तो मैंने कहा जनवरी से मार्च, सही है, कितने? 2,00,000 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने मेरा बेटा? 3। नहीं समझ आया पूछ लेना फौरन, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, तकल्लुफ करोगे तो रह जाओगे। उसके बाद फिर क्या हुई है? फर्दर इन्वेस्टमेंट हुई है। 2,00,000 तो ऑलरेडी लगे हुए थे, अप्रैल 1 को 20,000 और लगाए, तो अप्रैल 1 को टोटल मिल्कियत कितनी हो गई बोलो बेटा? 165 पैसे और लगाए मेरा बच्चा, निकाले थोड़ी है मेरा बेटा, और लगाए हैं तो कैपिटल तो बढ़ जाएगा ना, कम क्यों कर रहे हो आप लोग? 2,20,000 हो जाएगा ना मेरा बच्चा, ड्राइंग कम करती है, इसने बढ़ाए, तो 2,00,000 जमा 20, 2,20,000 हो गए अप्रैल 1 को, 2,20,000 हो गए। तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट में जाके मैं यहाँ लिखता हूँ क्या ये हुई है, कब? अप्रैल, अप्रैल से लेके कब तक चली, आइए जरा चेक करते हैं। 2,20,000 हो गई, नहीं बल्कि पूरा दिखा देता हूँ, 2,00,000 थी और प्लस 20,000, तो ये हो गई 2,20,000, राइट। और कब तक लगी रही जरा देखना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में चेंज आया ना, तो अप्रैल, मई, जून कितने महीने बने बोलो? अप्रैल, मई, जून बोलो कितने महीने बने? 3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अप्रैल-जून, ताकि आपको समझ आए और पेपर चेकर को भी समझ आए। 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 6,60,000 बना। वालेकुम अस्सलाम फातिमा, लेट हो गई आज बेटा। अच्छा, मैं काका का कैपिटल वेरीफाई करवा रहा हूँ, एवरेज कैपिटल कैसे निकलेगा, सही है। अच्छा, जून के बाद जुलाई 1 को क्या चेंज आया? 60,000 रुपए निकल गए, सही है, 60,000 निकल गए। नहीं, लिंक तो रोजाना भेजते भी नहीं है, 60,000 रुपए निकल गए। तो अब क्या करेंगे, जरा रिकॉर्डिंग सुन लेना याद से, सही है फातिमा, रिकॉर्डिंग सुन लेना याद से शुरू की, नहीं शुरू में तो मैंने बात ही नहीं की शायद। बहरहाल ये जुलाई है, जुलाई से कब तक चलेगा ये जरा देखना, ड्राइंग ड्राइंग जुलाई में हुई, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर,
जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि नवंबर फर्स्ट को चेंज आया। 4 महीने तक 60,000 रुपए कम कर दो, यानी 220 हो गए थे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सही है 220। अब माइनस कर दो कितना मेरा बेटा, -30,000, राइट। नहीं समझ आया तो पूछो, नहीं 60,000 माजरत चाहता हूँ, 60 220 माइनस 60 ये आ गया 160,000। और कितने महीने तक लगे रहे, 4 160 मल्टीप्लाई बाय 4, सही है। अब अगर तुम वैसे भी अपना दिमाग चलाओ तो 3, 3, 6 और 4, 10 10 महीने हो गए। अगर 10 महीने हो गए, अगर 10 महीने हो गए तो अब कितने महीने बचे बोलो। अच्छा ड्राइंग यहाँ पे आ जाएगी, है ना। फिर दोबारा नवंबर फर्स्ट को जो ड्राइंग हुई है 30,000 रुपए की, तो इसने और कम किया, फिर ड्राइंग लिख देते हैं अक्टूबर के बाद। यहाँ लिखा नवंबर, नवंबर से लेके दिसंबर, यानी नवंबर दिसंबर 2 महीने ऑलरेडी कैपिटल कितना रह गया था, 160 में से और माइनस कर दूं बोलो मेरा बेटा कितना, 30,000 माइनस कर दिया, 160 माइनस 30 बचा 130 और मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ भाई नूर तालिब दिमागी तौर पे जिंदा हो, 130 मल्टीप्लाई बाय 2 बोलो किसको समझ में नहीं आया। 21,60,000 बना और इसको डिवाइड कर दो 21,60,000 को, ₹180,000 एवरेज कैपिटल बन गया। अब इसका रेशियो निकाल लो फटाफट, 120 और 180 कितने जीरो कट गए, 4-4 कट गए, बचा 12 बचा 18। और बड़े टेबल से कर दूं, 6 2 12 6 3 18, क्या ख्याल है, इससे ज्यादा ये कट ही नहीं सकता, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। रेशियो बन गया 2:3, इससे होंगे 5, बस खत्म हो गया सवाल जनाब। 20,000 रुपए नुकसान बांटना है, एंट्री समाज फरमाए अब मेरे मुताबिक, बाबा कैपिटल डेबिट ब्रैकेट ऑन, लिख के दिखाओ एंट्री या बना लिया आपने, लिख के दिखाओ एंट्री या बना लिए बोले, ये क्वेश्चन 23 है ना, यस बना लिए, वेरी गुड। चले मैं बना देता हूँ, क्या याद करेंगे कुछ, मैं भी कर देता हूँ जनाब। हमने बोला क्वेश्चन 23 में बाबा कैपिटल डेबिट और काका कैपिटल भी डेबिट, सर क्यों, बाबा कैपिटल डेबिट कितने से, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई की साइन वो वाली बना दूं जापानी, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, सही है मेरा बच्चा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट हो गया प्यारे बच्चों कितने से, 20,000 रुपए से, और यहाँ पर आ गया 8,000 और यहाँ आ गया 12,000, बोलो किसकी समझ नहीं आ रहा, नहीं जनाब ऐसी कोई शर्त नहीं रखी, मैंने कल भी ये बात कही थी, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि एवरेज कैपिटल एंडिंग कैपिटल के बराबर आएगा, एवरेज कैपिटल कुछ भी आ सकता है, क्योंकि अगर एवरेज कैपिटल एंडिंग कैपिटल के बराबर ही आना होता तो फिर वो एवरेज कैपिटल इतना ड्रामेबाजी करने को क्यों कहता, वो सीधा सीधा बोलता है एंडिंग कैपिटल लिख लो, है ना, समझ में आ रही है फातिमा मेरी बात, मेरा बेटा अगर एंडिंग कैपिटल ही करना होता तो फिर वो आपको जैसे पिछले सवालात में उसने बोला था एंडिंग कैपिटल, यहाँ पे भी वो आपको सवाल में कहते था एंडिंग कैपिटल से काम करो, लेकिन उसने बोला एवरेज कैपिटल, तो एवरेज कैपिटल निकालने का प्रोसीजर समझा दिया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्या, आपको समझ आया, ईमानदारी से बोलें शाबाश जल्दी से, नहीं समझ आया तो भी बोलें, चैप्टर इख्तिताम पजीर होने वाला है आज अल्लाह के हुक्म से, मंडे को मोस्ट प्रोबेबली क्लास नहीं होगी, मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन 14 के बारे में क्या ख्याल है, होमवर्क बना दें इसे, चेक करो जरा पढ़ो बोलो, क्वेश्चन 14 होमवर्क बना दें, मुश्किल है, ले भाई फातिमा तो बोलिए कर भी लिया,
जी मैंने आवश्यक किया कि मैं इसको वन बाय वन कर दूंगा, परेशान ना हो। जैसे क्वेश्चन फोर्टीन कुछ लोगों ने कर लिया, कुछ लोग कर लेंगे अल्लाह के हुक्म से। फिर आखिरी सवाल क्वेश्चन ट्वेंटी, जरा देखना इसमें भी क्या है, क्वेश्चन ट्वेंटी में भी देखना जरा क्या है। तो ये भी कर लोगे या इसमें भी कोई कंफ्यूजन है? सर ये विड्रॉल क्या है, ड्राइंग है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और पैसे लगा रहा है वो? तो दो सवाल हो गए, 14 और 20। अच्छा इनको डिस्कस करने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों सवाल वैसे ही हैं बिल्कुल। इसमें क्या चेंज है, बस आपने काउंट करना है जनवरी से मई। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चार महीने तक लगे रहे 40,000, फिर 8,000 निकाल दो, 32,000 रह गए। मई से लेकर मई, जून, जुलाई, अगस्त नहीं काउंट करो, मई, जून, जुलाई, तीन महीने तक लगे रहे 32,000। फिर अगस्त फर्स्ट से दिसंबर तक चले जाओ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पांच महीने तक 32 और 32, 64,000 बिजनेस में लगे रहे। तो उम्मीद करता हूँ आप जरूर अल्लाह के हुक्म से ये सवाल कर लेंगे। आइए इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी बुक का। और अगर बुक में ये क्वेश्चन ना मिले तो मुझे बताइएगा, बुक में ये क्वेश्चन 7 पर मौजूद है, 5 ईयर का क्वेश्चन है, पास्ट पेपर का। और इस सवाल की खासियत क्या है, सवाल की खासियत मैं आपको बताने से पहले एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ आपके साथ, और देखता हूँ कि आप कितना अच्छा दिमाग चलाते हैं अल्लाह के हुक्म से। एग्जाम्पल ये है प्यारे बच्चों, आपकी तवज्जो चाहिए होगी मुझे भरपूर, तवज्जो के बगैर तो आपको पता है काम होता ही नहीं है हमारे पास, यहाँ तो काम चलता ही तवज्जो की बुनियाद पे है सारा। आज तक सवालात में क्या हुआ पहले ये डिस्कस कर लू आपके साथ, मेरा ख्याल है, ताकि आप एक बार दिमागी तौर पे जिंदा हो जाए। बताओ हर सवाल 99% सवालात कर लिए ना, एक आखिरी सवाल है जो हमने पढ़ना है, ये रहा 7 खत्म, इसके बाद दी एंड। मुझे ये बताओ आज तक जितने सवालात पढ़े, हर सवाल में वो चाहे कैपिटल बैलेंस दे या ना दे, क्या चीज लाजमी बताता था बोलो। और इवन जो अभी भी पढ़े ना, ये वाले जो अभी पढ़े आखिरी के ये वाले, इसमें भी उसने क्या चीज लाजमी बताई हुई है, फटी हुई आंखों से देख के बताओ, शाबाश, हर सवाल में बताई हुई है, गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो। इससे ज्यादा और क्या इशारे दूं तुम्हें भैया, प्रॉफिट और लॉस हर क्वेश्चन में उसने लाजमी बताया है, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है जनाबे आली। प्रॉफिट और लॉस 99% क्वेश्चन में बताया है, तो सर फिर इसमें क्या बड़ी बात है भाई, प्रॉफिट लॉस उसने बताया तो हम क्या करते थे, जो प्रॉफिट लॉस वो बताता था हम वो लिखते थे। अच्छा ये अमाउंट जरा बड़ी है, ऐसा ना हो आपको चक्कर आ जाए, तो मैं आसान अमाउंट वाला निकाल लूँ जरा कोई, जिसमें आप फौरन जल्दी से जरा दिमाग चला के बता दें, क्या ख्याल है? ये भी बड़ी अमाउंट है, कमबख्श सारी, ये है छोटी अमाउंट, आओ इसको समझ लेते हैं क्या ख्याल है। लेकिन इसमें फिर वो रिमेनिंग लॉस में जा रही है अमाउंट 2,000, ये भी लॉस है। ए भाई सारे ऐसी सवाल है, अल्लाह माफ करे। अच्छा क्वेश्चन 8, इसमें क्वेश्चन, अच्छा चलो भारत हम बड़ी अमाउंट वाले देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, अल्लाह के हुक्म से ये भी समझ जाओगे तुम। अच्छा तुम्हें ये गिवन होता था, ठीक है, और तुम्हें क्वेश्चन में बताता था सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट देना है, बोनस देना है, ये भी आमतौर पर बताता था या नहीं जनरली हर क्वेश्चन में? तुम टेबल बनाकर हमेशा क्या करते थे, हर पार्टनर को कितना कितना मिलेगा ये मालूम करते थे, ऐसा ही है या नहीं बोलो? ऐसा ही है, हम हर क्वेश्चन में ये मालूम कर रहे थे कि बिजनेस को प्रॉफिट अगर हुआ हो 114750 तो इसमें से इतनी सैलरी, इतना कमीशन, इतना इंटरेस्ट देने के बाद ये अमाउंट हम निकालते थे, ऐसा ही है? इसको राइट करने का मकसद यही है कि आप इस पर तवज्जा दें, ये अमाउंट हम निकालते थे या नहीं बोलो, ये अमाउंट हम निकालते थे, इसको बड़ा भी कर देता हूं आज, कैसे ये अमाउंट कैसे निकलती थी, खुदारा जरा साथ देना, इन सबको करते थे पहले, और फिर जो जवाब आता था मैंने तुम्हें यहां लिख के भी दिखाया था, हर बार मैं लिख के दिखाता था अगर तुम्हें याद हो, इन तीनों का सम बना
97,000, और फिर इस अमाउंट को इस में से हमेशा माइनस करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, तो हमें रिमेनिंग बैलेंस पता चलता था, ऐसा ही है। और फिर हम रिमेनिंग बैलेंस को जो भी उनका कैपिटल रेशियो है, इक्वल रेशियो है, एंडिंग रेशियो है, ओपनिंग रेशियो है, हम उससे बांट कर टोटल करके कंप्लीट करते थे और वेरीफाई करते थे। अब अगर मैं कहूं आज के सवाल में ये वाली अमाउंट 17,750 रिमेनिंग गिवन है और ये गायब है, 114,750 ये गायब है, सुन रहे हो मेरी बात? 17,750 गिवन है और 114,750 गायब है, तो क्या ये 114,750 निकालने के लिए किसी पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा, किसी दूसरे सैयारे पे जाना पड़ेगा? बोलो यार, तुम पूरे एक महीना, डेढ़ महीना, जितना भी महीना तुमने ये टॉपिक पढ़ा, तुम पूरे महीने यही तो सीखते रहे कि इसमें से इन्हें ऐड करके करते थे। बोलो क्या? बोलो ना, अभी तो बताया तुम लोगों ने इस अमाउंट में से, यानी अगर मैं थोड़ी देर के लिए, सुनना, अगर मैथमेटिक्स अच्छी है, अगर मैं इसे कह दूं क्या एक्स, क्या कह दूं, अगर मैं इसे एक्स, एक्स में से इसे करते थे माइनस, यानी अगर मैं कहूं लेट सपोज एक्स अमाउंट थी, उसमें से माइनस करते थे एक अमाउंट, सही है, बिलफर्स 2 रुपए, समझाने के लिए कह रहा हूं, एक्स अमाउंट में से 2 रुपए माइनस करते थे, तो तुम्हें पता चलता था क्या रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस। अगर एक्स अमाउंट होती थी 5, 5 में से माइनस करते थे 2, तो बचता था 3। मेरे बच्चों, अगर आज तुम्हें ये अमाउंट नहीं पता, तो यार कॉमन सेंस भी कोई चीज है, जो चीज सीधे काम करते हुए हो रही थी माइनस, उसे उल्टा काम करते हुए करेंगे, प्लस, तो क्या करें आज? आज अगर उसने क्वेश्चन में तुम्हें खुद बता दिया, बोलो क्या? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, जल्दी बोलो, क्या बता दिया उसने तुम्हें खुद? रिमेनिंग प्रॉफिट या रिमेनिंग लॉस अगर बता दी, कितनी? 17,750। तो 17,750 में इस 97 को क्या कर लूं? बोलो, देखो ये क्या, ये देखो, अगर स्क्रीन नजर आ रही है तुम्हें, लिखा नजर आ रहा है 114,750 नजर आ रहा है सब बच्चों को, 114,750, तो इसका मतलब ये अमाउंट पता चल गई। अच्छा सर, तो क्या हमें ये मालूम करने के लिए ऐसे ही टेबल बनाना है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसे टेबल बनाओगे तो ये टेबल तो हमें हर पार्टनर की अमाउंट बताता है। आज हमने ये टेबल नहीं बनाना, आज हमें ये नेट प्रॉफिट की अमाउंट मालूम करके दिखानी है कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी। सुन रहे हो मेरी बात? समझ भी रहे हो या नहीं? बोलो ईमानदारी से, बोलो ईमानदारी से, बोलो समझ रहे हो मेरी बात? अगर समझ रहे हो तो फिर मैं शुरू करूंगा। आज हमें क्या करना है? आज हमें एक कंपटीशन बनानी है जिसमें हम ये प्रॉफिट के अमाउंट निकाल कर दिखाएं। तो भाई ये प्रॉफिट के अमाउंट निकाल के दिखानी है, टेबल नहीं बनाना। टेबल बनाऊंगा तो टेबल क्या मुझे ये अमाउंट निकाल के दिखाता है? नहीं, टेबल तो निकाल के दिखाता है हमें हर पार्टनर को मिलने वाली अमाउंट। तो आज अंदाज क्या है, आओ अंदाज शेयर करते हैं तुम्हारे साथ। ये आखिरी सवाल इस चैप्टर का, अल्लाह के हुक्म से क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लूँ अगर आप इजाज़त दें जल्दी से, आप मेरे साथ यकीनन काम कर सकते हैं, आपको इजाज़त है, और थोड़ा सा इसको ज़रा बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छे से ज़रा VIP नज़र आ जाए, और एक और काम कर लेता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ, ज़रा अच्छा कर देता हूँ जापानी। ओके, आइए सवाल पढ़ते हैं, और सवाल पढ़ के बस अब इसको फिनिश लाइन के पास लेके जाते हैं चैप्टर को। इरफान, इमरान और इनाम पार्टनर्स हैं और इनके कैपिटल बैलेंस है 40, 50 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल शेयरिंग रेशियो। ऑन सेफ साइड अगर आप इजाजत दें तो मैं कैपिटल शेयरिंग रेशियो लिख दूं ऐसे ही, ताकि हमें जरा अच्छे से सवाल समझ आए। कैपिटल शेयरिंग रेशियो ऐसे ही, हालांकि बड़ा सिंपल है, यहाँ तो डायरेक्ट देख के लिखा जा सकता है। 40, 50 और 30 है ना, और नाम क्या क्या है? इरफान, इमरान और इनाम। इरफान, इमरान, इरफान, इमरान एंड इनाम, राइट? क्या क्या है अमाउंट? 40, 50, 30, 40, 50, 30। ये मैं ऐसी रफ बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप चाहें तो लिख भी लीजिएगा। 4 0 कैंसिल हुए, 4 बचा, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 3,
इनके दरमियान रेशो की साइन बना दें, कैपिटल, ये इनका कैपिटल शेयरिंग रेशो भी निकल आया, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो भी यही होगा। अच्छा अब क्या करें सर, इसके बाद कहता है इरफान गेट्स अ सैलरी 2000 पर मंथ एंड इनाम गेट्स अ सैलरी विच इज हाफ ऑफ इरफान। इरफान को 2000 एक महीने की मिलती है तो इनाम को 1000 रुपए मिलती है। इसके अलावा बोनस मिलता है 20% कैपिटल बैलेंस पर इन लोगों को। और रेमी, अब अगला जुमला ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द रिमेनिंग प्रॉफिट, खुदा का वास्ता द नेट प्रॉफिट नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा है, द रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड बोनस, यानी सैलरी और बोनस देने के बाद, ये सैलरी दे दी इरफान को 2000 के हिसाब से 12 महीने की, इनाम को दे दी 1000 के हिसाब से 12 महीने की, और दे दिया बोनस दोनों को 20%, फिर जो रिमेनिंग बचा वो 12000 है। यानी ये 12000 बिल्कुल मेरी एग्जाम्पल की तरह वही वाली अमाउंट है ना जो मैं यहाँ आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, याद है या नहीं, समझ आ रही है मेरी बात, यानी उसने रिमेनिंग अमाउंट। तो आज क्या करना है सर सवाल में, कह रहा है डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट, तो निकालू नेट प्रॉफिट, बिस्मिल्लाह करूं, आइए हमने लिखा कंप्यूटेशन फॉर नेट प्रॉफिट। मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी ना बनाएं, रिक्वायर्ड, अगर आपने इसके लिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना दी तो रिक्वायर्ड बी में फिर आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड बी में वो आपसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाने को कह रहा है जैसे आप बनाते थे वैसे ही, लेकिन नेट प्रॉफिट निकालने के लिए अंदाज अलग है। और क्या अंदाज है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कंप्यूटेशन फॉर नेट प्रॉफिट, मैंने कहा सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बोलो, रिमेनिंग प्रॉफिट, जिसको समझ में नहीं आएगा वो फॉरन चालान करेगा जल्दी से, रिमेनिंग प्रॉफिट दिया हुआ है 12000। आपने मुझे बताया था ना रिमेनिंग प्रॉफिट में जो चीजें हमने सीधा काम करते हुए क्या की थी, बोलो अब पता चलेगा बगैर देखे बोल सकते हो या नहीं, जो चीजें हमने सीधा काम करते हुए बोलो क्या की थी, पहले वो बताओ क्या की थी सीधा काम करते हुए, पहले आपस में सबको किया था उन्हें, आपस में पहले क्या किया था उन सबको बोलो, प्लस, और फिर क्या किया था, और फिर क्या किया था प्लस करने के बाद उन्हें माइनस। तो आज मैं उन्हें सबको यहां लिखकर इसके साथ क्या कर दूंगा, बोलो क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो क्या क्या चीजें बटी हैं बताओ ना, सबसे पहले क्या बता है, सबसे पहले सैलरी बटी है, सैलरी किसको दी है सबसे पहले, सैलरी टू देखना जरा, सैलरी टू इरफान ब्रैकेट ऑन कर ली, कितनी सैलरी है 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, एतराज है तो फौरन बोल दो, कितना बन गया 2000 मल्टीप्लाई बाय 24000, नहीं समझ आया तो फौरन पूछना है। अच्छा सर सैलरी एक ही लाइन में नहीं लिख रहे भाई, ये फॉर्मेट अपनी मर्जी से जिस तरह बनाना चाहो बनाओ, ये कोई सरमान की जागीर थोड़ी है कि ऐसे ही बनेगा, जिस तरह तुम्हें अच्छा लगे तुम बना लो, ठीक है। अच्छा इसके बाद सैलरी फिर दोबारा लिखते हैं, अब किसकी लिखी, सैलरी टू इनाम, और इनाम की सैलरी है भाई, जिसको समझ नहीं आया बराए मेहरबानी फौरन पूछ ले, क्योंकि मैं इस टॉपिक की ये लास्ट क्लास कर रहा हूँ, इसके बाद अल्लाह के हुक्म से नया टॉपिक शुरू होगा, और 12000 अमाउंट हो गई यहाँ, सही है। इसके बाद क्या बचा, इसके बाद क्या देना है, बोनस देना है 20% कैपिटल बैलेंस पर, कैपिटल बैलेंस दिए मैं 40, 50, 30, और उसका 20% निकाल लो जरा फटाफट। मैंने यहाँ लिखा बोनस लिखा किस किस को, बोनस टू, सबसे पहले लिखा इरफान, फिर लिखा बोनस टू इमरान, और फिर लिखा बोनस टू इनाम, ऐसा ही है। और कैसे निकाल ली अमाउंट, एक की लिख के दिखा दूं बाकी की निकाल लोगे, क्या अमाउंट थी याद है, ये लिखी थी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, उम्मीद है तुमने निकाल भी लिया, लोगों ने मुझे लिख के भी भेज दिया, 40,000 का 20% 8,000, 50,000 का 20% 10,000, और 30,000 का 20% 6,000, बोलो समझ आया। सर आपने इन सबको पीछे क्यों लिखा है, अगर तुम्हारा दिल चाहता है इनको डायरेक्ट यहाँ लिख के यहाँ लिख दो, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन पीछे इसलिए लिखा है कि आमतौर पर ये अलग ही लिखे जाते हैं, क्या ख्याल है, आमतौर पर इन्हें अलग ही लिखा जाता है ना, और फिर इन सबका सम लिख कर क्या किया जाता है, इस अमाउंट में एड बैक कर दो, बस फिनिश, कंप्लीट हो गया मेरे बच्चों क्वेश्चन, कंप्लीट, पर कंप्लीट भी हो गया हाँ ना सर, कैसे कंप्लीट हुआ, अरे मेरा बच्चा नेट प्रॉफिट निकाल लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कंप्लीट कैसे हुआ ये बताएं, अरे कंप्लीट ऐसे हुआ कि तुम्हें क्या करना है,
बस अब रिक्वायर्ड टू के मुताबिक तुम्हें क्या बनानी है अपने घरों पर, बोलो क्या बनानी है, बताओ। आती है बनानी सबको, अल्हम्दुलिल्लाह आती है ना बनानी। तो बस अल्लाह के हुक्म से बना लेना। और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाते हुए अब नेट प्रॉफिट कैपिटल बैलेंसेस के नीचे 72 लिखना, उसमें से ये सारी चीजें बांटना, रिमेनिंग प्रॉफिट ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास बचेगा कितना, 12,000। क्वेश्चन 24 भी तो है, क्वेश्चन 24 में क्या है कासिम, क्या डिफरेंट है बेटा, जल्दी बोल मेरा बच्चा, तुमने तो आखिरी मिनट में टेंशन दे दिया। क्वेश्चन 24 पेज नंबर बताओ कासिम, अच्छा आप तो बेटा 24 में कोई मसला थोड़ी है, वो वाला क्वेश्चन पहले बताओ ये क्लियर है, आखिरी मिनट चल रहा है, ऐसा ना हो तुम बोलो नहीं समझ आया, ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन 24 कोई नया थोड़ी है, उसमें बोला है कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। तो भाई मेरी ये पुरानी प्रेजेंटेशन देखना याद से, मैंने तुम्हें क्या ऐसा केस नहीं पढ़ाया था अपने पास से फर्ज करके, ये 6 में जिसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, याद करो ये रहा, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, तो आता तो ये तुम लोगों को क्या हो गया, कर लोगे ना। मैं फी अमानिल्लाह कह रहा हूँ, किसी भी वक्त मीटिंग खत्म हो जाएगी मेरी साइड से, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह के हुक्म से सबसे इंशाल्लाह। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।